जी शेख, जैसा कि है ना, आपने कहा था कि अभी दर्स में जैसे दयूस के ताल्लुक से बताया कि वो मर्द मतलब दयूस होगा तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बट इसमें मेरे है ना मतलब एक सवाल ये था कि जैसे जो बंदा कभी शिर्क नहीं किया हो तो अल्लाह ताला का वादा है ना कि उसे जन्नत में डालेगा। अगर किसी बंदे ने कभी शिर्क नहीं किया बट वो दयूस हो मतलब अपनी औरतों के ताल्लुक से, तो फिर क्या वो बंदा भी जन्नत में नहीं जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, वरना ये सवाल कई लोगों के दिमाग में घूमता रहता। ऐसे कई सारे आमाल हैं जिनके बारे में हदीस में, कुरान में आता है कि ऐसा शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तो इसका शिर्क के अलावा जितने भी मासी और गुनाह के काम हैं, वो तमाम मासी और गुनाह के काम अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो माफ कर देगा। ऐसा आदमी तख्तल मशलिया होता है। और ऐसा आदमी जिसने शिर्क नहीं किया है, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर नहीं होगा। ये हो सकता, वो जहन्नम में जाएगा, अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा। अगर वो मुवहिद है तो इंशाअल्लाह वो उसे वहां से निजात मिलेगी। तो ये जन्नत में ना दाखिल होने की जो बात है, ये दुखूले अव्वली उसकी नहीं होगी। अगर अल्लाह ने उसको माफ नहीं कर दिया तो उसकी दुखूले अव्वली नहीं होगी। या मान लीजिए कोई दयूस आदमी था या कोई और गुनाह किया था, मरने से पहले उसने तौबा कर लिया। तौबा करने से तो इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं ना। तो तौबा कर लिया तो खलास, सारे गुनाह उसके माफ हो गए। और अगर वो बगैर तौबा के मर गया तो तहतल मशिया है। अल्लाह ताला चाहे तो माफ करे, चाहे तो ना माफ करे। अल्लाह ताला चाहे तो सजा देने के बाद उसको माफ करे। तो इससे ये मुराद नहीं कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। उसके ऊपर हराम है कि अगर उसे सजा दी जाए इस जुर्म की, तो उसके ऊपर हराम है कि वो इब्तदाई तौर से जन्नत के अंदर दाखिल हो। ये चीज हराम है उसके ऊपर। बात वाजह है मेरी या नहीं आपके लिए? सॉरी, नहीं मैं इतना अच्छे से समझ नहीं पाई आपकी बात। मैं दो लाइन में फिर से कहता हूं, अगर किसी इंसान जी ने शिर्क के अलावा दुनिया में जो गुनाह के काम है, अगर वो गुनाह के काम किया है, तो ऐसा आदमी तौबा से पहले अगर मर गया है, तौबा करके मरा था तो तौबा से सारे गुनाह माफ। अगर ऐसा आदमी तौबा किए बगैर मर गया तो तहतल मशिया होगा। तहतल मशिया का मतलब अल्लाह ताला चाहे तो अपनी रहमत और अपने फजल से ऐसे इंसान को माफ कर दे। अगर शिर्क किया है तब तो नहीं माफ किया जाएगा। शिर्क के अलावा जो गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उन्हें बगैर सजा दिए माफ कर दे। हो सकता है उसके पास कुछ ऐसे दूसरे अमाल हो जो अल्लाह को बहुत महबूब हो और जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ कर दे। माफ करने के बहुत सारे असबाब हैं जो हम मुख्तलिफ तरह के अमाल में सुनते रहते हैं। तो अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जो गुनाह है उसकी सजा देने के बाद फिर उसे जन्नत में दाखिल करे। यानी शिर्क के अलावा जो गुनाह है उनको करने वाला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा, अपने गुनाह की सजा वो भुगतेगा। तो जिन हदीसों में है कि ऐसा आदमी जन्नत में नहीं दाखिल होगा, इसका मतलब इब्तदाई तौर से दुखूले अव्वली उसे जन्नत में नहीं मिलेगी अगर उसे उस जुर्म की सजा दी गई तो। अब वाजह है? जी शेख जी, अलहमदुल्ला वाजे है जी, शेख, मैं बिल्कुल इसी ठीक है। में एक बात और जिक्र कर रहा हूँ कि ऐसे ही अक्सर इस सवाल को लेकर के भी लोग हदीस ऐड करते हैं कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुका है वो जन्नत में दाखिल होगा। और अगर कोई इंसान कबीरा गुनाह कर रहा है, खासकर नमाज छोड़ रहा है वो जानबूझ करके, तो उसका क्या होगा देखिए, फिर? हाँ, बहुत इस अच्छा हदीस सवाल। को लेकर के क्या जवाब देखिए, देंगे? जी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब हम कहते हैं तो इससे मुराद सिर्फ ये अल्फाज नहीं है। ये जो अल्फाज हम अदा करते हैं इन अल्फाज के कुछ तकाजे हैं। जब हमने जी अल्लाह को माबूद माना, नबी को रसूल माना, तो इसके कुछ तकाजे हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाएं, उसकी किताबों पर ईमान लाएं, उसके नबियों पर ईमान लाएं, फरिश्तों पर ईमान लाएं, योम आखरत पर ईमान लाएं। फिर अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो वाजिबात हमारे ऊपर आयत की हैं उन वाजिबात पर हम अमल करें। तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा करना भी इसमें शामिल है। फकत जबान से बोल देना नहीं,
जी शेख, शुक्रन, जजाकल्लाह खैर।